थाईलैंड में पति पत्नी के प्रेम की एक अनूठी कहानी सामने आई, जहां पर एक पति ने पत्नी की मौत के बाद उसके शव को दफनाने की बजाय उसे 21 साल तक एक ताबूत में बंद कर समाज के रीति रिवाज के खिलाफ उसे अपने पास रखा। इससे नाराज उनके दोनों बेटे घर छोड़कर चले गए, लेकिन इसका पति के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। पति ताबूत में रखे पत्नी के शव से अक्सर बातें भी किया करता था। बताया जा रहा है कि पत्नी के शव को अपने पास रखने में उसे कोई कानूनी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पति ने कानूनी की पढ़ाई भी कर रखी। लेकिन काफ़ी साल बीत जाने के बाद जब पड़ोस के लोगों का दबाव पड़ने लगा तो पति ने पूरी रीति रिवाज के साथ अपनी मृतक पत्नी को दफना दिया। जी हाँ, आपको बता दें, सेना में बतौर डॉक्टर तैनात चांद की पत्नी जिरावा की साल 2001 में मौत हो गई थी। जिरावा को दिमाग से संबंधित कोई बीमारी थी, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान 55 वर्ष की आयु में उसकी मौत हो गई। क्योंकि जिरावा का पति उससे बेहद प्यार करता था, इसलिए उसके शव को दफनाने की बजाय वह उसे अपने घर ले आया। हालांकि कानूनी तौर पर रजिस्टर और धार्मिक संस्कार किए, बाद पति ने उसकी मृत्यु को कानूनी तौर पर रजिस्टर और धार्मिक संस्कार किए, लेकिन पति ने उसकी लाश को नहीं दफनाया। आपको बता दें कि इन दोनों की पहली मुलाकात साल 1972 में सेना के अस्पताल में हुई थी। चौंध सेना में डॉक्टर तो उनकी पत्नी जिरावा अस्पताल में बतौर फार्मासिस्ट काम किया कर रही थी। वहीं शादी के बाद दोनों के 2 बच्चे भी हुए, लेकिन बीते 29 अप्रैल को चौंध ने पड़ोस के बढ़ते दबाव और पत्नी के प्रति अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए पूरे रीति रिवाज के साथ स्थानीय प्रशासन को सूचित कर दफनाने की प्रक्रिया को पूरा किया। बता दें कि जिस समय बंद ताबूत से शव को दफनाने के लिए खोला गया, उसमें से केवल हड्डियां ही मौजूद थीं। आज के समाज में पत्नी और पति के प्रेम की इस प्रकार की अनूठी कहानी अमूमन कम ही देखने को मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।